हेलो नमस्कार, जय हिंद। इंडिया की सरकार बनने वाली है, इंडिया की सरकार बन रही है। एनडीए के लिए 269 सीटें और इंडिया के लिए 248 सीटें, अदर के लिए 14 सीटें। किस प्रकार से सीटें आ रही है इसके बारे में अभी दिखाएंगे। इंडिया की सरकार किस प्रकार से बन रही है, कौन कौन इसमें सहायता कर रहा है इंडिया की सरकार के बनाने में, ऑफिशियल रूप से डाटा आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिलती रहे। देखिए, ये निर्वाचन आयोग का, चुनाव आयोग का ऑफिशियल डाटा है, जिसमें सबसे ज़्यादा बीजेपी को सीटें मिली हुई है, सबसे ज़्यादा बीजेपी को, उसके बाद कांग्रेस को मिली हुई है और उसके बाद एसपी को मिली हुई है, समाजवादी पार्टी को। कितनी कितनी सीटें मिली हुई है देखिए यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को 240 सीटें मिली हुई है। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस INC को 99 सीटें मिली है, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें और ATMC तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें। और ये सभी बड़ी पार्टियां हैं। उसके बाद थोड़ी 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 सीटें सबको मिली हुई है। किस प्रकार से किसको कितना सीटें मिली हुई है, अब ये सभी सीटें मिलकर इंडिया को सरकार किस प्रकार से बनाएंगी इसके बारे में हम आपको समझाएं। देखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि NDA गठबंधन में ये सभी पार्टियां हैं, ये सभी पार्टियां NDA गठबंधन में हैं, अर्थात भाजपा के साथ हैं। और इंडिया गठबंधन में ये सभी पार्टियां हैं, बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं, पार्टियां हैं, तो बहुत सारी पार्टियां हैं। इंडिया गठबंधन में इतना है और इंडिया में इतना है। इसको जूम करके, इसको पाज कर, वीडियो को पाज करके देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें दिखा दे रहा हूं। देखिए, इंडिया गठबंधन में कहां कहां से सीटें मिलेगी, कौन कौन सी पार्टियां ठीक है इंडिया गठबंधन में शामिल होगी, इसके तहत देखिए। ये नेशनल INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, SP समाजवादी पार्टी, ATMC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाली पार्टी है, द्रविड़ी मोमेंटम कांग्रेस DMK दक्षिण भारत की पार्टी है, ये सब जो है कि इंडिया गठबंधन में शामिल है। उसके बाद TDP तेलुगु देशम पार्टी भी है, JDU जनता दल जो है कि नहीं है इसमें। उसके बाद शिवसेना है, जनता दल, ये JD जो है कि, ये JD भारत NDA में है, भाजपा में है। नेशनल कांग्रेस पार्टी NSP, उसके बाद शिवसेना, उसके बाद रामविलास पासवान, ये जो है कि नहीं है। उसके बाद YSRCP, RJD नहीं है। उसके बाद CPIM है, AIMU है यानी कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, आप है, आम आदमी पार्टी है। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा इसी में है, JNP नहीं है, वो NDA में है। उसके बाद JNP नहीं है, उसके बाद CPIM है होगा, जनता दल नहीं होगा, NDA में होगा, ये होगा CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI होगा, राष्ट्रीय लोक दल RLD नहीं होगा इसमें, वो NDA में होगा। उसके बाद ये होगा JKN जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये पार्टी यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल UPPL, ये नहीं होगा, NDA में होगा। उसके बाद AGP भी NDA में होगा, ये भी NDA में होगा। उसके बाद केरला कांग्रेस, ये भी इंडिया में होगा, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी इंडिया में होगा, NCP NDA में होगा, वो भी इंडिया में होगा, JDM। इस प्रकार से ये आगे भी दिख लेंगे, ये एक एक सीटें वाली पार्टियां हैं, ज़्यादा इनको सीटें नहीं मिली, एक एक सीटें मिली हुई हैं सबको। जैसे NCP भी हैं, HSM भी है, AJP नहीं है, NPL नहीं है, RSP हैं, रिवोल्यूशनरी पार्टी, ये सब हैं। और इन सभी पार्टियों को मिलाकर कुल लगभग 245 की सीटें इंडिया को मिल रही है, इंडिया गठबंधन को 240, इंडिया गठबंधन को कुल मिलाकर 245 के आसपास सीटें मिल रही है, 245 के। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक इतना सीटें क्लियर हो चुकी है, 245 के आसपास सीटें हो चुकी है इंडिया के पास। अब यहाँ पर पार्टी फिर यहाँ से, जबकि सीट सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीटें चाहिए, कम से कम 272 सीटें सरकार बनाने के लिए चाहिए। अब सरकार कहाँ से बनेगी, सरकार बनाने के लिए ये आएंगे, TDP तेलुगु देशम पार्टी, आंध्र प्रदेश की पार्टी है, जिसके प्रमुख हैं चंद्रबाबू नायडू, जिसके मुख्य नेता चंद्रबाबू नायडू हैं। तो ये TDP आएगी जो 16 सीटें लेकर आएगी। अगर TDP को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात की जा रही है, अगर इंडिया में शामिल होकर सरकार बनवाएंगे तो उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उसी प्रकार से JDU 12 सीटें लेकर आएंगे, वहीं अपना पलटू राम चाचा यानी कि
नीतीश कुमार, तो पलटू राम चाचा या नीतीश कुमार अगर आएंगे तो ये भी आएंगे और ये दोनों मिलकर आएंगे। पलटू राम चाचा नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि इनसे बात की गई है कि आपको उप प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, तो पलटू राम चाचा आ सकते हैं और आ जाएंगे तो हालांकि फायदा ही होगा इनको, दोनों लोगों को फायदा होगा, इनको विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा आंध्र प्रदेश को और ये उप प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो दोनों को फायदा होगा। इस प्रकार से ये 16 और 12 30 सीटें लेकर आ जाएंगे, लगभग 30 के 28 30 सीटें लेकर आ जाएंगे और उसके बाद सरकार बहुमत के आसपास पहुंच जाएगी, 272 के आसपास बहुमत के आसपास पहुंच जाएगी। तो इसलिए इस प्रकार से इंडिया की सरकार बनने की संभावना है, संभव है कि इंडिया की सरकार बन जाए। अब आगे क्या होता है तो देखना बाकी है, लेकिन फिर भी अगर सरकार बनती है तो इसी प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी यही दोनों पार्टियां, तेलुगु देशम पार्टी TDP यानी कि चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड JDU यानी कि पलटू चाचा नीतीश कुमार। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिलती रहे। धन्यवाद।